अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अगर आप टीन एज हैं और आपने सून हॉस्टल जाना है, एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं आपको रिकॉल कराने वाली हूँ। आपने तिब्बत स्नो लाजमी अपने पास रखनी है। अगर आप वैसे भी टीन एज हैं तो ये एक इसेंशियल की तरह है, और मैं इसके कुछ हैक्स आपको बताऊँगी जो आपको पता होने भी चाहिए। और बात तो ये है कि अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, ये 100% सेफ़ है। और ये कलर फेयर करने के लिए अगर आप कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं ना, तो ये बेस्ट है। अगर आप हॉस्टल जाते हो या वैसे भी अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, मैं अंदरूनी नहीं कह रही, मतलब इनर साइड पर नहीं, एक्सटर्नल अगर आपको हो गया है, तो आप इसको लगा लो। ये एक एंटीसेप्टिक है, इसके साइड पे आप फवाइद पहले देख ही रहे हो, मतलब रिंकल्स को ख़त्म कर रही है, एक्ने वगैरह को ख़त्म कर रही है। एंटीसेप्टिक है और इसको जलन होगी और बेतहाशा होगी, उसके बाद वो जगह सुन्न हो जाएगी, एक घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वजाइनल इन्फेक्शन हो जाए जस्ट एक्सटर्नल वे पे, तो आप इसके ऊपर मतलब आसरा कर सकते हो, इतना अच्छा है ये। अगर आपको एक्ने का इशू है, आप टीन एज में हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, फिर तो आप पक्का इसको एज नाइट क्रीम लगा सकते हो, ये 100% सेफ। वैसे सर्दियों में किसी की स्किन ऑयली होती नहीं है, बट अगर आपकी है तो आप कर सकते हो। तीसरी बात, आप इसको वैसे भी कंप्लीट नाइट केयर में मतलब ऐड कर सकते हो एज नाइट क्रीम। हैंड एंड फीट अगर वाइटनिंग के लिए चाह रहे हो, आप फेस के ऊपर नहीं मतलब अप्लाई करना चाह रहे हो, तो भी ये बहुत अच्छा है। ये एक इसेंशियल है, और यकीन करें कि नकल्स वगैरह या हमारे जो एंकल वगैरह डार्क हो जाते हैं, या उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आपने इसको लाजमी, आप मार्केट गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार क्या लें क्या ना लें, तो ये एक चीज़ ज़रूर लेना।